आप सभी लोगों का स्वागत है रीना फूटी किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बिहार का स्पेशल तहरी, जिसे बनाने के लिए हमें चाहिए। फ्रेंड्स, हमने एक टमाटर ले लिए हैं, एक प्याज ले लिए हैं, थोड़ी सी गोभी ले लिए हैं और एक आलू ले लिए हैं फ्रेंड्स। 5 मिर्चे को बीच में टुकड़े कर करके काट लिए हैं फ्रेंड्स। हमने तेल को कढ़ाई बिठा चुके हैं फ्रेंड्स, गर्म हो जाएगी तो इसमें तेल ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड, कढ़ाई गर्म हो चुका है, हम इसमें तेल ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। तेल हमारी गर्म होगी तो इसमें हम गोभी को फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। चार से नमक ऐड कर देंगे तेल में। जरा सा हल्दी ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म हो चुका, इस गोभी को हम इसमें ऐड कर देंगे। गोभी हमारा हम थप थप करी गोभी को फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। और गैस को फेंक लिए, उसको मीडियम कर लेंगे फ्रेंड्स। इस बीच में गोभी को फ्राई करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे फ्रेंड्स। हल्का हल्का ब्राउन हो चुकी है तो अब हम और हल्का का और फ्राई करेंगे, 2-3 मिनट फ्राई करेंगे और इसको हम निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको फ्राई कर रहे हैं, अब हम हक कर नहीं इसी तरह ही फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। और हल्की हल्की चारों ओर से ये ब्राउन कलर की हो जाएगी तो इसको हम प्लेट में निकालेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारी गोभी फ्राई हो चुकी है, ज्यादा फ्राई नहीं करना था, हमको हल्का ही ब्राउन करना था। ये ब्राउन ही हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे फ्रेंड्स। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। तेज पत्ता ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। ये चटक जाएगी तो हम इसमें मटर ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। हमारा जीरा काला हो चुका है फ्रेंड्स, अब हम इसमें मिर्च ऐड कर देंगे। मिर्च फ्राई हो जाए तो हम इसमें फ्रेंड्स, हमारा मिर्च फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें ऑनियन ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। हम तेज को फ्लेम को लो कर देंगे फ्रेंड्स, प्याज को थोड़ा फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो चुकी है फ्रेंड्स, अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। आलू को हम इसे फ्राई करेंगे फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स हम इस कटोरी से आधा कटोरी से ज्यादा चावल ले लिए हैं फ्रेंड्स, इसको हम धो लेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हम प्याज को फ्राई कर प्याज और आलू के साथ फ्राई कर रहे हैं, इसमें जरा सा नमक ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, अपने टेस्ट के अनुसार हम नमक ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। जरा सा हल्दी ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। जरा सा जीरा पाउडर और गोलमरीच पाउडर ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे फ्रेंड्स, और जरा सा हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। हम जरा सा गरम मसाला भी ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। अब हम इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। इसमें हम कप से एक कप मटर, एक कप और आधा कप मटर डाल देंगे फ्रेंड्स। एक कप और आधा कप हम मटर डाल दिए इसमें, इसको फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। इसी में हम टमाटर भी ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, और हम जरा सा धनिया पत्ता भी ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। अब इसको हम फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे जब तक इसको दो मिनट हम इसी तरह चलाते रहेंगे। दो मिनट के बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हम तहरी बना रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा दो मिनट लमसम हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। चावल को भी जरा फ्राई कर देंगे मसाले में। पांच मिनट हम चावल को इसी तरह फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। हम इसी तरह इसको फ्राई करेंगे फ्रेंड्स, हम हिलाते रहेंगे जब तक इसमें से सुगंध ना आए, तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे फ्रेंड्स। हम गोभी को लास्ट में ऐड करेंगे फ्रेंड्स, जब हमारे साथ चावल और आलू मटर कुक हो जाएगी, उसके बाद हम गोभी को ऐड करके फ्रेंड्स इस तरह भी आप तहरी बनाकर खाइएगा। बहुत ही घंटे के दिन में इस तरह तहरी बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स। Thank you.
देखिए फ्रेंड्स हमारा कलर कितना खुल के आ रही है, सुगंध भी आ रही है और तेल भी, मसाले तेल छोड़ रही है। अभी हम और फ्राई करेंगे, इसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारे मसाले भुन भी चुकी है, तेल कढ़ाई तेल छोड़ भी चुकी है। अब हम एक कप पानी ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स। हम अपने जरूरत के हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे फ्रेंड्स। और एक कप ऐड कर दिए फ्रेंड्स और आधा कप हम पानी ऐड कर दिए फ्रेंड्स। एक उपाल आ जाएगी तो इसको इसके फ्लेम को हम लो कर देंगे फ्रेंड्स, और हमारा आलू और कुक हो जाएगी तब हम इसमें गोभी ऐड करेंगे फ्रेंड्स। एक उपाल आने के बाद हम इस गैस को फ्लेम को लो कर देंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारा उपाल आ चुकी है, अब हम इसको ढक देंगे फ्रेंड्स और हम इसको लो फ्लेम करके 5 मिनट कुक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि चावल हमारा कुक हुई है कि नहीं, या नहीं होगी तो और 5 मिनट हम कुक करेंगे फ्रेंड्स। हम गैस को फ्लेम को लो कर दिए है फ्रेंड्स और 5 मिनट कुक देखेंगे फ्रेंड्स अगर हमारा कुक हो चुकी है कि नहीं। अगर नहीं हो चुकी तो और 5 मिनट हम करेंगे और हम कॉफी को ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। हमारा 5 मिनट हो चुकी है फ्रेंड्स, अब हम चावल को ये हल्का हल्का कुक हो चुकी है, हमारा मटर भी कुक हो चुकी है। अभी आलू कुक नहीं हुई है फ्रेंड्स, अब हम इसमें कॉफी ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। अब हम इसको 5-10 मिनट और कुक करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये बन चुका है, बन के तैयार हो चुका है फ्रेंड्स, और कितना सुंदर खूबसूरत सा हुआ है फ्रेंड्स। इसका आलू आलू सब सीझ चुकी है फ्रेंड्स। अब हम इसको धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे फ्रेंड्स और हम गैस को ऑफ कर देंगे फ्रेंड्स। अब हम आपको प्लेटिंग करके फ्रेंड्स हम दिखाएंगे। लीजिए फ्रेंड्स बनके तैयार हो चुका तहरी। इस तरह आप जरूर से जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स कितना खिला खिला हमारी तहरी बनके तैयार हो चुका है, आप ही इस तरह एक बार जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा फ्रेंड्स, अगर आपको ना भी अच्छा लगे तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड्स। गोभी मटर टमाटर का तहरी फ्रेंड्स, ये रेसिपी को आप जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा। इस स्टाइल से भी आप तहरी बनाकर देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।